अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है। और ये देखिए पिंपल जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो अभी सुबह का टाइम है, आहद देख रहा है टीवी, क्योंकि आहद को हो गई है पूजा। हॉलीडेज़ जो दिवाली की छुट्टियाँ होती है ना, वो हो गई हैं शुरू और स्टार्ट हो गई हैं। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आज का दिन जो है थोड़ा सा बाहर भी जाना है दीदी के साथ, क्योंकि मायरा को डॉक्टर को दिखाना है। तो डॉक्टर वही वाला है जो असद को दिखाया था, तो दीदी को पता नहीं है एग्जैक्टली है कहाँ पे, इसलिए वो मेरे साथ मुझे कह रहे थे चलने के लिए, तो चलना है उनके साथ। अभी घर का थोड़ा सा समेट लूँ, जब तक घर का समेट ना जाओ बाहर से आके ना काम नहीं हुआ जाता, मतलब करा नहीं जाता काम। तो आहद अभी देख रहा है टीवी, बच्चन दूध पी लिया, और आज इनके पापा ने ना जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया और सो गए हैं। ऑफिस टाइम पता नहीं आज लेट जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि मेरे जो लास्ट मैंने ब्लॉग डाला था, थैंक यू सो मच, और बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया है, वेलकम टू माई चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी आपको देखने के लिए। इंशाल्लाह शेयर भी की हैं और करूँगी, और देखते हैं आगे कहाँ तक क्या होता है, हमारा सफ़र कहाँ तक है और कब हमें इस सफ़र में कामयाबी मिलती है। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि सबको अल्लाह कामयाब करे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो उनका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए और उनको इनकम आ जाए। बस वो लोग ना, मतलब मैंने देखा है लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनके पास यही एक ऑप्शन है, तो सपोर्ट करना चाहिए ना ऐसे लोगों को। हम अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इस तरीके से भी हम सपोर्ट कर सकते हैं कि उनकी वीडियो को देख लें, ताकि उनको थोड़ा सा मतलब हमारी तरफ से कुछ हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो ये भी एक तरह का एक ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूशन कर लें, आप समझ लें कि हाँ हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा। अगर हम किसी को व्यू दे दें, किसी की वीडियो फुल देख लें, तो इससे मेरे ख्याल में हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो देख लेना चाहिए जिन लोगों के पास यही ऑप्शन है कि यूट्यूब से जो इनकम आएगी उनसे, उन पैसों से उनका घर चलेगा, तो ज़रूर देखना चाहिए। तो अभी ना मैं कपड़े आधे वॉशिंग मशीन में डाल के आई हूँ, और थोड़े से दो बेडशीट्स हैं वो भी धोनी है, वो डालने जा रही थी ऊपर। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ अभी, तो उसके बाद बाहर का ही होगा जो भी, जहाँ जाएंगे ना, मतलब अमायरा को डॉक्टर के पास दिखाने, और हाँ अमायरा को डॉक्टर को दिखाना है और फिर आ जाना है घर। और आहद और असद का, आहद को तो मैं इधर ही छोड़ के जाऊँगी क्योंकि ये टीवी देखता रहता है, और असद को साथ ले जाऊँगी, बहुत शरारती है इसलिए उसको साथ ही ले जाऊँगी। वैसे तो रह लेता है दादी और चाची के साथ, लेकिन पंगे करता है, और दूसरी बात फिर बीच में मम्मा मुझे भी मिस करता है, रोने लगता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, और दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं, और सब आपके साथ शेयर होगा इंशाल्लाह। मैं और असद ही जा रहे हैं, और दीदी आगे हैं हमारे नीचे वाले रोड पे, जो हमारे घर के सामने वाला रोड है, तो वहाँ पे आके हमारा वेट कर रहे थे। मैं और असद जा रहे हैं, बस उनके आने का वेट कर रहे थे। वो पहुँच गए थे हमसे पहले ही आ गए थे, तो कभी वो हमें पिक करने आते हैं, कभी हम उनको पिक करने जाते हैं। तो यहाँ से निकल गए थे, और बारिश का मौसम था, इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है, ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है, जैसे कि शाम का टाइम है, और इतने ज़्यादा काले बादल छाए, थोड़ा डर भी लग रहा था। हमारा बारिश भी शुरू हो गई है, और मौसम आज बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्क ले लिया घर से निकलने का, और क्या रिस्क, कह भी रहे थे ना नहीं जाओ। हाँ उनकी सुन लेनी चाहिए थी। वैसे हमारा का डॉक्टर मिल जाए तो वो बड़ी बात है। बारिश होना शुरू हो गई है, मुझे लगता है डॉक्टर यहीं कहीं है। हाँ बस यहीं है, आगे आगे से ना यू टर्न ले लो। हाँ असद, आपको तो मैं इधर ही छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि आप ना बार बार ये बाहर हैंडू बाहर निकाल रहे हो। हम बेसिकली अमायरा को दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर को, उस डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं जिसको असद को दिखाया था। तो अमायरा को भी बुखार और ज़ुकाम है, इसलिए इसका भी चेकअप कराएंगे ये सेम डॉक्टर के पास। हाँ बस यही है ये। हाँ भूल इसलिए गई क्योंकि पता नहीं ना, कभी बहुत कम आते हैं इस तरफ, तो इसलिए मुझे इन रास्तों का ना पता नहीं है। ये डॉक्टर साहब की गाड़ी बाहर ही लगी हुई है, मुझे लगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है आज।
कल से दवाई शुरू होगी, आज से दवाई शुरू होगी। चलो इनको कुछ अनहेल्दी खिला लेते हैं, कुछ खा लो थोड़ा सा अनहेल्दी। अब डॉक्टर के पास से होके आ गए, बारिश भी यहाँ पे इस एरिया में रुक गई हुई है, और सोचा कि इनको खिलाने के बहाने हम भी कुछ थोड़ा सा चख लें। तो चलते हैं अभी, हमारा यहाँ का एक ही पॉइंट है पहलवान। She's a feeling, 'cause you know, oh, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. और यहाँ पे हमने अपने लिए तो ऑर्डर किए थे, काफ़ी देर के बाद हम यहाँ आए थे, और यहाँ और पूरी चना भटूरा ना खाओ तो ऐसा लगता है कि हमने पहलवान में कुछ नहीं खाया। तो हमेशा हम यही खाते हैं, मतलब और चीज़ें भी खाते हैं लेकिन ये सबसे फर्स्ट वाली प्रेफरेंस रहती है। तो बच्चों ने अपनी चॉइस का, तो खैर यहाँ से हम निकल रहे हैं और हमारा यहाँ का हो गया, बच्चे भी साथ में लेके, तो कल से मेडिसिन शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद तो खैर ऐसा कुछ खाना नहीं है इन्होंने, तो आज लास्ट इनको खिला दिया। तो अब निकलते हैं घर की तरफ, और बारिश भी रुक गई थी, हम जा रहे हैं घर को अब वापस जाना है, क्योंकि घर पे ऐसा आहद भी है, और अभी और कुछ करना भी नहीं था वैसे, बाहर हमें कोई काम नहीं था। तो बारिश की वजह से ये सब सारा जो एरिया ना जैसे धुल गया हुआ ना, जैसे कितना ग्रीन ग्रीन हो गया सब जगह। ये यहाँ पे ना मूलियाँ लगाई हैं जिसको हम रेडिश कहते हैं, ये वहाँ उनके खेत हैं, तो जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती है तो लोग ना रोड पे इनको सेल करना आ जाते हैं, अभी तो छोटी हैं। तो खैर दीदी हमें यहाँ से छोड़ के, हमें ड्रॉप करके जा रहे हैं, और हम चलते हैं घर की तरफ। और मौसम तो मैंने आपको बताया आज मौसम का हाल, और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना, और मतलब कॉटन की सूट जो है ना वो नहीं पहना जा रहा है, गर्म सूट की रिक्वायरमेंट लग रही है कि गर्म सूट पहनना चाहिए। तो ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी इस बारिश की वजह से, इस एरिया में कम बारिश हुई है, जहाँ हम गए थे वहाँ ज़्यादा हुई है। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत घर दिख रहा है। तो ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, नई वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे।